हेलो फ्रेंड्स, मेरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जॉब रिगार्डिंग मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन थी और मैं इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। जबकि मैं यहाँ पर जीमेल से रिगार्डिंग कुछ वीडियोज़ बनाए थे जो कि वॉइस ओवर थे। लेकिन दोस्तों, आज की जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, अपने थंबनेल पर देखकर जान ही लिया है, कमिंस टर्बो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी दोस्तों देवास में है और एक पीथमपुर में भी है। आप इस पर यदि आप जॉब करना चाहते हैं, इसकी जो प्रोसेस है कंप्लीट, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और किन लड़कों की भर्ती चल रही है और किस बेस में चल रही है और कितनी एज क्राइटेरिया रखी गई है, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको कब आना है यहाँ पर, कैसे अप्लाई करना है, उस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो जॉब रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऑन रोल ऑफ रोल जो भी जॉब निकलती है मैं आपको अपडेट देता हूँ। लाइक यदि आप कंपनी में परमानेंट बेस में निकलती है जॉब तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस में निकलती है तो अपडेट करता हूँ, नीम ट्रेनिंग में निकलती है तो अपडेट करता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी जॉब निकलती है दोस्तों, किसी भी कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में, तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री या फिर 10th 12th पास हो तो आपके बहुत ही काम आएगा ये चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भर्ती निकली है किस बेस में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लड़के 10वीं और 12वीं करके आ रहे हैं, यदि आप भी 10वीं और 12वीं हैं तो आप पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपके लिए कोई भी प्रोसेस ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर आपको कुछ ऐसा भर्ती होने वाला है। लेकिन जो आईटीआई डिप्लोमा है दोस्तों, इनकी ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन भर्ती जो है दोस्तों, एक्सपीरियंस बेस्ड बंदों की निकलती है। आप जाके खुद कमिंस टर्बो टेक्नोलॉजी के आप ऑफिशियल पेज में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कभी भी ऐसी जॉब नहीं निकलेगी सिवाय इंजीनियर के, सीनियर इंजीनियर मैनेजर, मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनकी वैकेंसी निकलती रहती है, ऑनलाइन शो करती है, ऑनलाइन पोर्टल में शो करती है। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और अवेयर करना चाहूँगा कि आपको कोई भी आदमी ऐसा मिलता है या फिर आपको ऐसी कोई भी मेल आती है कि आपकी जॉब लगवाने से रिगार्डिंग, ऐसी कंपनियों में जो एमएनसी कंपनी है, ऐसी कंपनियों में आपकी जॉब लगवाने की रिगार्डिंग आपको मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं और आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, किसी भी तरह से आपको एक्टिविटीज सही नहीं लगती है, तो बिल्कुल भी आप उसको इग्नोर करिए। आप खुद से विजिट कर भी जॉब ले सकते हैं, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और कैसे जॉब लेना है, कितनी सैलरी होगी और आपके बेस पर कौन सी कैटेगरी में आपको रखा जाएगा और आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कन्फर्म किया कि आपको किसी भी तरह से थर्ड पार्टी का जो है सहारा नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप खुद से भी जॉब ले सकते हैं और 1 रुपये चार्ज आपको किसी को नहीं देना है, चाहे भले कोई कितना भी खास क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों आप खुद से जब ये जॉब ले सकते हो क्यों किसी को 1 रुपये भी देना। तो ये कमिंस टर्बो जब आप आओगे यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है दोस्तों वो ऑफलाइन बेस में, यदि आप आईटीआई डिप्लोमा की हो तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपने 10th 12th बस कर रखी है तो दोस्तों आप अप्लाई मत करिए, आप डायरेक्ट आइए यहाँ पर। आपको मॉर्निंग में आपको जो है, तो वैसे भी दोस्तों आपको हेल्पर में ही रखा जाएगा। यदि अगर शुरू में यदि आप आते हो, आपसे कुछ भी काम नहीं आता और 10वीं 12वीं की हो, तो आपसे ज़्यादा मतलब मशीन डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करा जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर कोडिंग होती है, मशीनिंग प्रोसेस को समझना पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्रिटिकल प्रोसेस होती हैं, जहाँ पर एक पढ़े लिखे लड़के की जरूरत होती है जो कि एक टेक्निकल हो, जो कि टेक्निकल नॉलेज रखता हो। तो मिनिमम आईटीआई डिप्लोमा की कैटेगरी के बंदे होने चाहिए। तो यदि आप आईटीआई डिप्लोमा है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, फिटर किसी से भी कर रखा है, तो दोस्तों वहाँ पर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि एक मशीन में इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है, मेंटेनेंस का भी काम होता है, प्रोडक्शन का भी काम होता है, क्वालिटी का भी काम होता है, तो कई डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी के अंदर, और मतलब एक मशीन में ही कई डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करते हैं, तब जाके प्रोडक्शन निकलता है और तब जाके कहीं जाके काम होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस जो है, तो आईटी डिप्लोमा के यदि आप कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन आना है, और जब जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ से 1 दिन पहले आप यहाँ पर टाइम निकाल के आइए, और यहाँ पर आपको रुकना है, फिर मत रुकिए, आप यहाँ पर मॉर्निंग में यदि आप पहुँच जाते हो बहुत अच्छी बात है। अब लोकेशन की रही बात, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको जॉब बता सकता हूँ, जॉब जहाँ पर निकलती है मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऑन रोल है ऑफ रोल है, और इस जॉब को भी मैं बताऊंगा कि ये ऑन रोल है या ऑफ रोल है, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, किस बेस में निकली हुई है भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, तो यदि आप आईटीआई डिप्लोमा बेस में हो तो आपको मॉर्निंग में आकर आप यहाँ पर रिज्यूम अप्लाई करिए। देखिए 10th 12th में है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा तो आपको जरूरत है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रिज्यूम दोगे, वहाँ पर आपको जो है अंदर रिज्यूम जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू भी बकायदे लिया जाएगा, आपने जो थ्योरेटिकली पढ़ा है, यदि आप कहीं पर काम कर रखे हो तो आपको जो है तो काम भी पूछा जाएगा, यदि आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जॉब निकली है ट्रेनिंग बेस में है, आईटीआई जो डिप्लोमा बंदे हैं उनको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, और ट्रेनिंग यदि आपकी कंप्लीट होती है तो आपको एक टेस्ट देना होगा, यदि आप टेस्ट निकालते हो तो दोस्तों आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंपनी आपको रख ले, यदि दोस्तों आप टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो तो चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, और
दोस्तों वहाँ पर यदि जो बंदे सेलेक्ट होते हैं तो ऑन रोल आगे भी प्रोसीड रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं और उनका इंक्रीमेंट होता रहता है, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है इन फ्यूचर। और यदि आप कंपनी स्विच करते हो ट्रेनिंग के बाद तो भी आपकी सैलरी स्विच करने पर भी बढ़ जाती है और अच्छी खासी पैकेज आप ले सकते हो। खासतौर पर जैसे कि यहाँ पर कमिंस टर्बो जो कंपनी है दोस्तों, ये टर्बो चार्जर बनाती है। आपको टर्बो चार्जर के बारे में नहीं पता है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि टर्बो चार्जर क्या होता है, कैसे काम करता है बाइक और व्हीकल्स में, टर्बो चार्जर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि खराब हो जाए तो किस तरह के मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट में रखा जाएगा। यदि आप आईटीआई और डिप्लोमा बेस में हैं तो देखिए आईटीआई बेस में हैं तो आपको ऑपरेटर लेवल में ही रखा जाएगा शुरू में। यदि आपको काम बहुत ज़्यादा लगता है, सीख जाते हो, तब दोस्तों आप सोचा जाएगा, लेकिन अभी शुरू में तो आपको ट्रेनिंग में ही रखा जाएगा। तब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, जब कंपनी स्विच करोगे या फिर इसी कंपनी में आप कंटिन्यू रखोगे तो आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपको इंचार्ज लाइन इंचार्ज बना दिया जाएगा या फिर क्वालिटी में रख दिया जाएगा। बट यदि आप डिप्लोमा हो तो आपको पहले से ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्वालिटी दिया जाएगा या फिर मशीन ऑपरेशन में आपको जो है सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको लाइन इंचार्ज के रूप में रखा जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा वीक हो तो आपको जो है तो ऑपरेटर लेवल का काम ही कराया जाए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या लड़कियाँ आ सकती हैं, तो लड़कियाँ भी आ सकती हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों काम करते हैं यहाँ पे। मशीन साफ है दोस्तों, यहाँ पे मशीन साफ में काम टोटल चलता है और ये कंपनी अपने पार्ट जो है छोटे वेंडर कंपनियों से भी बनवाती है, तो वहाँ पर भी इस कंपनी के पार्ट प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर भी यदि आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ भी आप जाकर एक बार ट्राई कर सकते हो। कोई भी छोटी कंपनी में भी आप शुरुआत करियर की कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप इस कंपनी में आने की सोच रहे हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि अभी जो भर्ती निकली है यदि आप आना चाहते हैं तो आप किस तरह की प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो आपको किस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि आप आईटीआई डिप्लोमा कर रखे हैं तो दोस्तों आपको प्रोडक्शन या क्वालिटी मेंटेनेंस में रखा जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपने डिजाइनिंग से कुछ कर रखा है, डिजाइन भी आती है आपको, तो फिर आपको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा या फिर ड्राइंग रेडिंग में भेजा जाएगा, इस तरह के डिपार्टमेंट भी यहाँ पे होते हैं। तो आप टेंशन मत लो, यदि आपके पास जॉब नहीं है तो एक बार बस आपको आना है यहाँ पे, अप्लाई करना है, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप बीटेक हो, बीटेक हो तो कैसे करोगे, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो देखिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वालों को तो हायर कर लेंगे, बट यदि आप बीटेक हो तो बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, इनको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इनको यहाँ पे एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों इनको एक पोस्ट की जॉब दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अदरवाइज एक इंजीनियर कंपनी मान लीजिए कि एक लाइन में 10 आदमी काम करते हैं तो उसमें एक इंजीनियर की जरूरत है और 100 आदमी काम कर रहे हैं 10 इंजीनियर की जरूरत है और आ गए यहाँ पे 40-50 लोग, तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ऑफलाइन जो है भर्ती नहीं निकलती, बहुत ही कम निकलती है, और ऑफलाइन आपको देखने को भी नहीं मिलेगी इंजीनियर बेस की जॉब, खासतौर पर जैसे कि बीटेक वालों के लिए। और जो कंपनियाँ रखती हैं तो वो भी दोस्तों डिप्लोमा को जो काम देती हैं वही काम बीटेक वालों से करवाती हैं। तो यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यदि रख लेती कंपनी, तो आप एक बार आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखने में क्या जाता है, क्योंकि मैंने खुद कई कंपनियों में विजिट किया है, एक बार यदि आप बीटेक हो तो एक बार जरूर आपको भी आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं रखती कंपनियाँ, यदि वहाँ पर वैकेंसी होती है, जगह होती है, तो एक लड़कियों को कभी कभी हायर कर लेती कंपनी, तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए, हो सकता है वो टाइम आपका हो तो एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो आपकी सैलरी क्या होगी, यदि आप आईटीआई डिप्लोमा बेस में हो तो आपकी सैलरी जो होने वाली है दोस्तों, वो सैलरी रहेगी 12 से 15 हज़ार, मतलब मिनिमम 10 हज़ार रुपये शुरुआत तो रहती ही है। 10 हज़ार रुपये तो कोई भी कंपनी दे देती है आज की डेट में, 10 से 15 हज़ार के बीच में ही रहेगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हो। अब बात करें तो आपकी पीपीएस मिलेगी, क्लॉथ मिलेंगे, ठीक है ना। पीपीएस मतलब आप समझ रहे हो, यदि नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करिए, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे, ये कैसे काम करता है, सेफ्टी क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं, यहाँ पर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको क्या सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये सब कुछ यहाँ पर होता है इन डिपार्टमेंट्स में। अब दोस्तों बात करते हैं बस की सुविधा की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यदि आप ट्रेनिंग में है तो आपको बस की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, आपको कैंटीन भी दिया जाता है। PFSIC भी अदर कंपनी की तरह यहाँ पे कटता है, तो आप आइए, बेझिझक आइए, एक बार आकर जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद मैंने बनाया और दोस्तों इस पर आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर आकर अप्लाई करिए, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबको भागना पड़ता है, सबको विजिट करना पड़ता है कंपनी, फ्रेशर में किसी को कंपनी में जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाती। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, पैसा किसी को मत दीजिए। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, यदि आप चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जॉब अपडेट पाने के लिए।